हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एमटीएस वर्ल्ड के टेक में स्वागत है। आज एक नया फोन जो ओप्पो ने 17 दिसंबर को ही लॉन्च किया था, वो अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, वो अभी चाइना में लॉन्च किया हुआ है। ओप्पो फाइंड है, जो हम फोल्डेबल फोन भी बोल सकते, उसकी हम बात करेंगे तो उसकी बॉडी के बारे में बात कर सकते हैं हम। तो उसकी वेट है 275 ग्राम्स। उसके बाद हम डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे, जो है फोल्डेबल LTPO AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ हमको 1000 nits ब्राइटनेस मिल जाएगी। उसकी साइज के बारे में हम बात करेंगे, जो मेन स्क्रीन है वो 7.1 इंच है, वो फुल HD रिजोल्यूशन के साथ हमको मिल जाएगा। उसके बाद जो है बैक साइड में जो रेगुलर स्क्रीन है वो 5.49 इंच की है, जो भी फुल HD रिजोल्यूशन के साथ हमको मिल जाएगा। जो AMOLED गोरिल्ला ग्लास विक्टर के साथ हमको डिस्प्ले मिलेगी। उसके अंदर हम चिपसेट के बारे में बात करेंगे, जो है क्वालकॉम SM8350 स्नैपड्रैगन 888 5G के साथ हमको मिल जाएगा। उसके अंदर GPU Adreno 660। उसके बाद हम बात करेंगे इसके कैमरे के बारे में, जो है 50 megapixel प्राइमरी कैमरा, दूसरा है 30 megapixel टेलीफोटो कैमरा और 60 megapixel अल्ट्रा वाइड। प्राइमरी कैमरे से हम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो 30 और 60 FPS पे हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और इसके अंदर HD वीडियो जो 1080p है, उसको 30, 60 and 240 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे सेल्फी कैमरा, जो है 32 megapixel कैमरा और दूसरा है 32 megapixel। एक है मेन स्क्रीन के अंदर आएगा, जो 7.1 है, और दूसरा कैमरा जो है 5.49 इंच स्क्रीन के अंदर आएगा। इसके अंदर लाउड स्पीकर हमको मिल जाएगा, विद स्टेरियो स्पीकर के साथ हमको मिलेगा। इसी फोन में हम देखेंगे फिंगरप्रिंट हमको साइड में पावर बटन के ऊपर ही मिल जाएगा। इसके अंदर 3 वेरिएंट आएंगे, जो है ब्लैक, व्हाइट एंड पर्पल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पर क्लिक करें।